नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। जी हां, आप सभी को बता दें, 2022 का सबसे भयंकर तूफान को लेकर इस वक्त भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने देश के कई सारे राज्यों में भारी बारिश और तेज तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। यानी आसानी बहुत ही भयंकर रूप से आगे बढ़ रहा है और 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट हो गया है और उत्तर मध्य में 15 मई तक हीटवेव की भी चेतावनी दे दी गई है। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें, देश भर में एक तरफ जहां चक्रवाती आसानी की वजह से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड में मौसम में बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है, वहीं आईएमडी अलर्ट की माने तो उत्तर मध्य भारत में रविवार तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि चक्रवात की धीमे पड़ने की वजह से अब तापमान में वृद्धि रिकॉर्ड की जा सकती है। इससे पहले 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी कर दिया। वहीं पूरी और दक्षिण राज्य में भी बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय राज्य में तापमान में 1-2 फीसदी की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। रविवार के बाद राजधानी दिल्ली समेत मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद एक बार फिर से दिखने लगे हैं। दरअसल दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है और मौसम विभाग ने शुक्रवार को हीटवेव की चेतावनी जारी कर दिया। हालांकि 3 दिन के बाद फिर से दिल्ली में मौसम बदलने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं 14 मई तक मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में हीटवेव का कहर देखने को मिल सकता है और 15 मई को के बाद कई इलाकों मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और वहीं पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर से एक्टिव होने के कारण 14 से 15 मई के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात के कई हिस्सों में लू चलेगी, उसके बाद में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस पर आप सभी लाल क्या कमेंट सेक्शन में जुड़ी के धन्यवाद।